थोड़े ऊपर लेके निचरले के बदल दो। चलो एक कवस, इसको एक और स्टाइल से लिख सकते हैं, कैसे? ऐसे 90 डिग्री माइनस इतना लिख लेना, आई इस 72 को घटा लेना 90 में से, तो 90 में से 72 घटाओगे ना तो 18 हो जाएगा, ना हो गया। अभी साइन 18 डिग्री बाटा, अभी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा थीटा का जगह है 18, भुच भुच नहीं हो जाएगा, जल कर राख नहीं हो जाएगा, उतने बटा उतने रहता है ना, तो जल कर राख हो जाता है। एक आइए अब हम सब जाने पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आपसे पूछा जाता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस फॉर्मूले से बहुत सारे हिसाबों को बनाया जाता है। तो ये होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टैन थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। आप लोग तो बहुत ब्रिलियंट है, आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, तो याद तो बहुत जल्द हो जाता है, आदमी भूलता भी है, तो उस भूलने की बीमारी को कम करने के लिए ट्रिक बना देता हूँ। और लोग पूछते रहते कि हर चीज में ट्रिक, हर चीज में ट्रिक, अरे ट्रिक जरूरी है। आप देखो कैसे इसको याद कर सकते हो, ये बहुत काम की चीज है। तो मैं कहता हूँ आपके पास दिमाग है तो ऐसे भी याद कर लीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो कुछ नहीं है, इसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास, अगर आप इसको दिमाग में रख लेते हो तो सब दिन के लिए फॉर्मूला जो है याद हो जाएगा। सीको टांग कोट कौशक सेक में, सीको किसी का नाम है और उसको कह रहा है कि टांग कोट, कोट को टांग देना है कौशक सेक में। इसका मतलब आप जानिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, सीको यानी साइन कॉस में बदल जाएगा और कॉस जो है साइन में बदल जाएगा। सीखो, सीखो ना, सीखो, याद रखना सीको कोट, और टांग कोट, टांग कोट यानी टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, अब कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टैन थीटा, यही तो सब लिखा हूं। तो हम इसी को याद रखते हैं, और जो भी हिसाब बनाते हैं इसी को माथा में हम अपना रख के काम करते हैं। आपको भी बता रहा हूं यही सब रखना है माथा में। अब कॉसेक सेक में यानी कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, आ सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। चलिए इस पर हम लोग हिसाब बनाते हैं, देखो कैसे बनाता हूं। अब जैसे है टैन 65 डिग्री बटा कॉट 25 डिग्री, वही आएगा सीको टांग कोट कॉसेक सेक का यूज करना, देखो कैसे यूज करना है। सबसे पहले इस तरह का अगर हिसाब आपको दिखाई दे तो किसी एक को चेंज कर लेना एक दूसरे में, ये टैन कोट में बदलता है कि नहीं, और कोट किस में बदल जाता है टैन में, टांग कोट, देख लो टांग कोट वाला है कि नहीं, टांग कोट। तो आपको क्या करना है, बदलना है कैसे, और इसके बराबर कर देना है इसको, या इसको इसके बराबर कर देना, मैं दोनों बराबर करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं जितना बात कर रहा हूं उतना ही लिखना, ये टैन लिख लेना और इसको 90 डिग्री माइनस इतना लिख लेना, टैन 90 डिग्री,
अब यहां का लिखेंगे तो तुम 90 में से 65 घटा देना, 90 में से 65 घटा देना। यहां कथी लिखे तो कुछ ना लिखे, 90 में से 65 घटाया हुआ तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा बट्टा कवट 25 डिग्री। अभी भी देखो तो टैन 65 डिग्री है कि ना है, टैन 90 में से 25 घटी कितना होता, 65 होता कि नहीं, क्यों कवट 25 डिग्री। वही चीज था, आप जानते हो कि टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टैन 90 डिग्री माइनस थीटा, यही थीटा के जगह 25 डिग्री है, तो टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है, क्या होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा, थीटा के जगह कितना बा 25 डिग्री, ये हो गया कॉट 25 डिग्री। अब बाटा कॉट 25 डिग्री, अब यही तो लड़का का भूल जाता है सब, अब क्या करे रे, 5/5 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो कॉट 25 डिग्री बटा कॉट 25 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर 1 हो गया। आप चाहो तो इसको भी बदल सकते हो, देखो कैसे, ऊपरला को छोड़ दो, टैन 65 डिग्री बटा कोवट, एकरा के 90 डिग्री वाला में फॉर्म मिले जा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब यहां क्या लिखें, यहां क्या लिखें 90 डिग्री, तो कुछ ना तुम 90 में से घटा लो इसको, ये जो दिया हुआ है 90 में से 25 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, 90 में से जब 25 घटा लोगे तो कितना हो जाएगा 65, यहाँ 65 कर दो, टैन 65 डिग्री बटा, आप जानते हो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो टैन कोट, तो कॉट किस में बदल जाता है टैन में, तो टैन हो गई टैन 90, टैन थीटा होता है, तो थीटा की जगह है ना 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है आपका 65 है, टैन 65, 65 कट के कितना हो गया 1 हो गया, कितना आसान है। एक और देखिए उसी तरह का, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, मैं क्या कह रहा हूं किसी एक को चेंज कर लो, आप ये देखो सीको, ये ना बताया सीको, यानी साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, साइन को इसमें बदल लो, चलिए हम इस साइन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, साइन 90 डिग्री माइनस, ये 90 में से इसको घटा लो, ये जो भी दिया रहेगा 90 में से घटा लेना है, तो कितना दिया है 18 दिया है ना, तो 90 में से 18 घटाओगे तो कितना होगा 72 हो जाएगा। अभी भी साइन 72 18 डिग्री के बराबर है कि नहीं, 90 में से 72 घटा लोगे तो क्या हो जाएगा 18 हो ही तो जाएगा, तो साइन अभी भी उतना ही है, साइन 18 डिग्री, यानी साइन 18 डिग्री के और तरीके से लिखा, किस तरीके से लिखा, साइन यहाँ 90 लाना माइनस करना है, ये जो रहेगा घटा लेना, इतना सिंपल काम है, बट्टा कॉस 72 डिग्री। अब यहाँ आना ना, तो एक बात सोचना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, सी को बताया हूं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, थीटा है ना है 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी थीटा का जगह है 72, कॉस 72 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, कट के कितना हो गया 1 हो गया। आप चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते हो, छोड़ो ऊपर लग के निचरले के बदल दो, चलो एक कॉस, इसको एक और स्टाइल से लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे 90 डिग्री माइनस इतना लिख लेना, इस 72 को घटा लेना 90 में से, तो 90 में से 72 घटाओगे ना तो 18 हो जाएगा ना, हो गया। अभी साइन 18 डिग्री बाटा, अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा, थीटा का जगह है 18,
भूच भूच नहीं हो जाएगा, जल के राख नहीं हो जाएगा, उतने बटा उतने रहता है ना, तो जल के राख हो जाता है एक, समझे।